उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 72 घंटों से निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच बनाई जा रही है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि टनल से मलबा हटाने के दौरान ऊपर से लगातार मिट्टी धंस रही है, इससे बचाव अभियान में दिक्कत आ रही है। ऐसे में अब मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए मेगा प्लान बनाया गया है। अब 36 इंच व्यास के स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने की योजना बनाई गई है। इस योजना के मुताबिक मजदूरों तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक जैक और ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद से व्यास का स्टील पाइप टनल के अंदर डाला जाएगा। मशीन और पाइप दोनों पहुंच चुके हैं। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 घंटे का समय लग सकता है। बुधवार सुबह तक मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि रविवार सुबह निर्माणाधीन सुरंग में 45 मजदूर थे। वे 12 घंटे की शिफ्ट खत्म कर जब दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकल रहे थे तो उसी दौरान हादसा हो गया। मलबा धीरे धीरे गिरता देख 5 मजदूर बाहर भाग गए, लेकिन 40 सुरंग में ही बने रहे और बाद में फंस गए। बाहर भागे मजदूरों ने बताया कि पहले धीरे धीरे मलबा गिरा, जिसे सभी ने हल्के में लिया, फिर अचानक भारी मात्रा में मलबा आया और सुरंग बंद हो गई। ऐसे में अब व्यास के स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि ये टनल हर मौसम में खुले रहने वाले चारधाम रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके बनने के बाद उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 72 घंटों से निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच बनाई जा रही है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि टनल से मलबा हटाने के दौरान ऊपर से लगातार मिट्टी धंस रही है, इससे बचाव अभियान में दिक्कत आ रही है। ऐसे में अब मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए मेगा प्लान बनाया गया है। अब 36 इंच व्यास के स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने की योजना बनाई गई है। इस योजना के मुताबिक मजदूरों तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक जैक और ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद से व्यास का स्टील पाइप टनल के अंदर डाला जाएगा। मशीन और पाइप दोनों पहुंच चुके हैं। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 घंटे का समय लग सकता है। बुधवार सुबह तक मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि रविवार सुबह निर्माणाधीन सुरंग में 45 मजदूर थे। वे 12 घंटे की शिफ्ट खत्म कर जब दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकल रहे थे तो उसी दौरान हादसा हो गया। मलबा धीरे धीरे गिरता देख 5 मजदूर बाहर भाग गए, लेकिन 40 सुरंग में ही बने रहे और बाद में फंस गए। बाहर भागे मजदूरों ने बताया कि पहले धीरे धीरे मलबा गिरा, जिसे सभी ने हल्के में लिया, फिर अचानक भारी मात्रा में मलबा आया और सुरंग बंद हो गई। ऐसे में अब व्यास के स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि ये टनल हर मौसम में खुले रहने वाले चारधाम रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके बनने के बाद उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।